सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ब्लूटूथ ईयरफोन्स के बारे में, जो कि आपको 2000 के नीचे के प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको ये सभी ब्लूटूथ ईयरफोन्स जो है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी कमाल के फीचर्स के साथ में आता है, जैसे कि आपको प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगा और वहीं आपको सुपर बेस, साथ ही आपको 30 आवर्स तक का जो है बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों, हम जिन भी ब्लूटूथ ईयरफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं उन सभी के अंदर आपको प्राइसिंग के हिसाब से जो है काफ़ी कमाल का फीचर्स देखने को मिल जाएगा। तो आपका बजट अगर 2000 है और एक बेस्ट ब्लूटूथ ईयरफोन्स आप बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह का डेली टेक वीडियो जो है सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों, हम रैंकिंग वाइज बात करेंगे, जिसका रैंकिंग आपको नंबर 5 से लेके नंबर 1 तक देखने को मिलेगा। तो नंबर 5 पे हमने रखा है बोट रॉकर्स 255 प्रो को, जहाँ पे आपको रियली प्राइस के हिसाब से काफ़ी कमाल का फीचर्स मिलता है। तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया गया है, इसके साथ ही आपको IPX5 का रेटिंग देखने को मिलेगा, यानी कि आपको स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिलेगा। उसके साथ ही आपको CVC नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है, तो आपका कॉलिंग एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। और वहीं आपको 10 nm का डायनेमिक ड्राइवर देखने को मिल जाता है, जिसके कारण आपको बेस काफ़ी अच्छी खासी मिलेगा। और वहीं इसका साउंड क्वालिटी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी क्रिस्टल क्लियर साउंड देखने को मिलता है। बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो ये ईयरफोन आपको 1 आवर के अंदर जो है 0 to 100% चार्ज हो जाता है, उसके बाद आप इसे कंटिन्यू जो है 10 आवर तक इंजॉय कर सकते हैं। और वहीं अगर आप इसे 20 मिनट तक चार्ज करेंगे तो आपको 4 आवर तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। तो बैटरी बैकअप देखा है तो आपको प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, जिसका प्राइसिंग आपको 1300 देखने को मिलेगा। तो 1300 के प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी डील देखने को मिल जाता है, तो ज़रूर से आप इस ईयरफोन को देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं 4th नंबर ब्लूटूथ ईयरफोन के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बोट रॉकर्स 335, जहाँ पर आपको रियली प्राइस के हिसाब से जो है बोट ने काफ़ी कमाल का फीचर्स को ऑफर किया है। जैसे कि इस ईयरफोन को अगर आप 10 मिनट तक चार्ज करते हैं तो आपको अप टू जो है 10 आवर्स तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आप इसे 40 मिनट चार्ज करते हैं तो ये 40 मिनट में जो है फुल चार्ज हो जाता है, जिसकी मदद से आप इसे 30 आवर्स तक जो है फुल्ली इंजॉय कर पाएंगे। और वहीं आपको टैप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप इस ईयरफोन को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप जो है काफ़ी दमदार मिलेगा, साथ ही इसके अंदर आपको मिलता है क्वालकॉम FTX ऑडियो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट, जिसकी मदद से आपका ऑडियो क्वालिटी जो है और भी इम्प्रूव हो जाता है। और वहीं आपको यहाँ पे CVC 8.0 का सपोर्ट दिया गया है, तो यहाँ पे आपका कॉलिंग एक्सपीरियंस जो है और भी तगड़ा देखने को मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी भी आपको इसका काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलता है, साथ ही आपको यहाँ पे मैग्नेटिक ईयरबड्स दिया गया है, लेकिन आपको ऑटो ऑन ऑफ का फीचर देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट और वहीं आपको डुअल पेयरिंग फीचर दिया गया है, यानी कि आप एक टाइम पे जो है 2 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको इसके अंदर जो है 10 nm का ड्राइवर दिया गया है, जहाँ पे आपको पंची बेस मिलेगा। और आपको साउंड की क्वालिटी ओवरऑल आपको प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी खासी इसका देखने को मिलता है। और वहीं आपको IPX5 का रेटिंग भी देखने को मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो इसका प्राइसिंग आपको फिलहाल जो है 1600 देखने को मिलता है। वैसे इसका प्राइसिंग आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है, तो आप चेक करते रहिएगा। तो यहाँ पर देखा है तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको काफ़ी कमाल का ब्लूटूथ ईयरफोन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ दिया गया है, साथ ही आपको जो है म्यूजिक एक्सपीरियंस भी यहाँ पे काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा। तो आपका बजट अगर 1600 है तो डेफिनेटली आपको इसके तरफ जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं 3rd नंबर ब्लूटूथ ईयरफोन के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रियलमी बड्स वायरलेस, जो कि काफ़ी टाइम पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी भी इसका प्राइसिंग के हिसाब से जो आपको फीचर्स दिया जा रहा है रियलमी की तरफ से, डेफिनेटली काफ़ी कमाल का है। इसका बिल्ड क्वालिटी जो है आपको काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। 2000 के नीचे देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया गया है, और इसके अंदर आपको जो है 11.2 mm का ड्राइवर मिलता है। तो यहाँ पर आपको पावरफुल बेस देखने को मिलेगा, तो अगर आप बेस लवर हैं तो डेफिनेटली आपको ये ईयरफोन पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर आपको डीप बेस, साथ ही आपको पंची बेस का फील होगा। बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर आपको 12 आवर्स तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है, और ये ईयरफोन आपको 1.5 आवर के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। साथ ही आपको यहाँ पे एक कन्वीनियंस फीचर दिया गया है, जो कि आपको मैग्नेटिक ईयरबड्स देखने को मिलता है, साथ ही आपको ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि इस ईयरफोन को और भी खास बनाता है। और यहाँ पे भी आपको स्वेट प्रूफ के लिए जो है IPX4 का रेटिंग दिया गया है। तो अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसका करंट टाइम में प्राइसिंग आपको 1600 देखने को मिलेगा। वैसे सेल के टाइम इसका प्राइसिंग आपको 1500 देखने को मिल जाता है। तो देखा जाए तो अगर आपको 1500 के प्राइसिंग के अंदर डीप बास चाहिए, साथ ही आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस ईयरफोन को बाय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं 3rd नंबर ब्लूटूथ ईयरफोन के बारे में, तो यहाँ पे हमने रखा है ओप्पो एनको M31 को, जहाँ पे आपको जो है 2000 के नीचे वन ऑफ द बेस्ट साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप जो है छोटे छोटे बीट्स को काफ़ी क्लियर सुन सकते हैं।
यानी कि ये ईयरफोन उनके लिए काफ़ी बेटर होगा जिनको जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी कमाल का साउंड क्वालिटी देखने को मिलता ही है, साथ ही इसका डिज़ाइन भी आपको काफ़ी लाइट वेट देखने को मिलेगा और वहीं इसका लुक भी आपको काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है IPX5 का रेटिंग दिया गया है और इसके अंदर भी आपको नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलेगा और वहीं आपको इसके अंदर स्मार्ट मैग्नेटिंग पावर कंट्रोल फीचर देखने को मिलेगा जिसकी मदद से ऑटोमेटिक ये ऑन और ऑफ हो जाता है जो कि इसको काफ़ी खास बनाता है। उसके साथ ही आपको बेस मोड भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको LDAC सपोर्ट दिया गया है जिसकी मदद से आपका ऑडियो क्वालिटी जो है काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, आप काफ़ी अच्छी खासी जो है ऑडियो एंजॉय कर पाएंगे। और वहीं आपको 9.5 mm का जो है ऑडियो ड्राइवर देखने को मिलता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो ओप्पो ऐसे क्लेम करता है कि आपको 12 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, बट अगर आप इसे फुल चार्ज करते हैं तो आपको अप्रॉक्स जो है 6 to 7 आवर्स तक का ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा और ये ईयरफोन आपको करीब 1 आवर के अंदर ही फुल चार्ज हो जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो इस ईयरफोन का प्राइसिंग आपको 2000 देखने को मिलेगा, तो अगर आपको 2000 के प्राइसिंग के नीचे जो है बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस चाहिए तो डेफिनेटली आप इस ईयरफोन की तरफ जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 1 ब्लूटूथ ईयरफोन के बारे में। तो यहाँ पे हमने रखा है OnePlus Bullets Wireless Z Bass Edition, जहाँ पे आपको रियली OnePlus की तरफ से काफ़ी कमाल का फीचर्स मिलता है। ये ईयरफोन आपको प्रीमियम डिज़ाइन के साथ देखने को मिलेगा, साथ ही ये काफ़ी लाइट वेट डिज़ाइन के साथ में आता है। तो इसके ओवरऑल फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.0 का ही सपोर्ट दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही इसके अंदर आपको वार्प चार्जिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि इस ईयरफोन को अगर आप 10 मिनट तक चार्ज करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 आवर्स तक का म्यूजिक प्लेबैक का टाइम देखने को मिलेगा और ये ईयरफोन आपको 20 मिनट के अंदर ही फुल चार्ज हो जाता है। उसके बाद इसे आप करीब 17 आवर्स तक एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी खासी बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा और आपको चार्जिंग के लिए जो है टाइप सी का पोर्ट दिया गया है, साथ ही आपको यहाँ पे स्मार्ट मैग्नेटिक टर्न ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया गया है और वहीं आपको लो लेटेंसी मोड भी देखने को मिलता है, साथ ही आपको कॉलिंग के टाइम जो है नॉइस कैंसिलेशन फीचर भी देखने को मिलेगा। और वहीं इस डिवाइस को आप मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप एक ही टाइम में जो है करीब 3 डिवाइस के साथ इस डिवाइस को एक ही साथ कनेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको यहाँ पे भी 9.2 mm का ड्राइवर दिया गया है जो कि आपके ऑडियो एक्सपीरियंस को जो है काफ़ी इन्हेंस करता है और इसका बेस भी आपको प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी पसंद आने वाला है और इसका जो बेस है ओवरऑल आपको प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और उसके साथ ही इसका साउंड क्वालिटी भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। तो अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इस ईयरफोन का प्राइसिंग आपको 2000 देखने को मिलेगा, तो आपका बजट अगर 2000 है तो आप जरूर से इस ईयरफोन को भी देख सकते हैं। सो दोस्तों यही था मेरे तरफ से टॉप 5 ब्लूटूथ ईयरफोन्स अंडर 2000। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, साथ ही आप लोगों को जो है कौन सा ब्लूटूथ ईयरफोन सबसे बेस्ट लगा आप हमें जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मैं मिलता हूं आपसे जल्द ही एक न्यू वीडियो के साथ।